समाज का वो चेहरा जिसे देखकर हर कोई किनारा करना चाहता है, लेकिन आज उन्होंने जो मिसाल पेश की उसके बाद इंसानियत के सामने भी जीता जागता मिसाल दिखा। दरअसल यात्रा के दौरान अगर आपके बर्थ से किन्नर समाज के लोग गुजरते हैं तो आप चाहते हैं कि उनसे किस तरीके से नजरें चुरा लिया जाए, लेकिन जब मुसीबत पड़ी तो यही किन्नर समाज के लोगों ने मसीहा बनकर एक मासूम की जिंदगी बचा ली। एक गर्भवती महिला को उस वक्त प्रसव पीड़ा शुरू हो गया जब वह ट्रेन से सफ़र कर रही थी। दर्द से कराह रही थी, लेकिन ट्रेन में साथ चलने वाले महिला यात्रियों में से किसी ने इंसानियत नहीं दिखाई। दर्द से कराह रही महिला को छोड़कर हर कोई अपने यात्रा में मशगूल दिखा, लेकिन जैसे ही किन्नर समाज की नज़र उस दंपति पर पड़ी जो अपनी पत्नी को लेकर परेशान था, वो बेबस पति करे तो क्या करे, ट्रेन रुकने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही किन्नर समाज के लोगों को इस महिला की दुविधा के बारे में पता चला, किन्नर समाज के लोगों ने महिला को अपने साथ ट्रेन के बाथरूम में लगी। चलती ट्रेन में ही महिला ने प्रसव पीड़ा के बाद एक शिशु को जन्म दिया, जिसके बाद सबके चेहरे पर खुशियाँ लौट आई, तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। हर कोई किन्नर समाज के इस कारनामे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, सभी उनकी तारीफ करने लगे। कुछ देर पहले तक जो लोग उनसे मुंह मोड़ रहे थे आज उनके शान में ट्रेन में तालियां बजा रहे थे। दरअसल उन्होंने काम ही ऐसा किया, ऐन वक्त पर भगवान की तरह उस दंपति के सामने किन्नर समाज ने जो मिसाल पेश की, जो सेवा भाव से उन्होंने मदद की, वो कोई आम इंसान नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही किन्नर समाज ने जब बच्चे को अपनी गोद में लिया कि सबके आँखों के सामने ये तस्वीर आई और दंपति के आँखों में आंसू आ गया। दंपति यह देखकर भावुक हो गए। किन्नर समाज ने दंपति को कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बोलो, हम दे देते हैं, जाकर अस्पताल में इलाज करा लेना, डॉक्टर से दिखा लेना, जच्चे और बच्चे का चेकअप करा लेना। हालांकि किन्नर समाज के लोगों ने जिस तरीके से अपने रुमाल से बच्चे का सर ढका, उसे आशीर्वाद दिया, वो बिरले ही देखने को मिलता है। समाज में एक मिसाल कायम करने वाले किन्नर समाज के लोगों के लिए आज हर जगह चर्चा हो रही है। साथ ही साथ एक दंपति की जिंदगी भी लौटा दी, क्योंकि उसके घर जब मासूम आया तो उनके चेहरे पर जब खुशियाँ आई तो पूरे ट्रेन में यात्रा करने वाले बोगी में जितने यात्री थे सभी खुश तो हुए। लेकिन कुछ देर पहले तक जब प्रसव पीड़ा से वो महिला तड़प रही थी तो कोई इसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस बात पर सभी शर्मिंदा भी दिखे। देखिए किस तरीके से किन्नर समाज के लोगों ने ये तस्वीर साझा की है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस की है। जसीडीह रेलवे स्टेशन से ट्रेन जब खुली उसी समय महिला को प्रसव पीड़ा होने लगा, वो दर्द से कराहने लगी। लेकिन ट्रेन में सफ़र कर रहे किसी महिला ने इस महिला की मदद करने के लिए आगे नहीं आई। वहीं किन्नरों की टोली जैसे ही सिमलतुल्ला रेलवे स्टेशन के पास उस बोगी में पहुंची, उस महिला को देखकर उन्होंने मदद की ठान ली और फिर महिला को ट्रेन के वॉशरूम में ले गई, जहां महिला ने डिलीवरी के दौरान एक शिशु को जन्म दिया। महिला को लड़का हुआ, इसे देखकर सभी झूम उठे। सभी किन्नरों ने नवजात को अपनी गोद में लेकर अपना आशीर्वाद भी दिया। यही नहीं, किन्नर समाज की ममता उस वक्त और बढ़ गई जब उन्होंने दंपति को कहा कि पैसे नहीं है तो मेरे से ले लो और जाकर इलाज करा। इसके बाद हर कोई यह देखकर दंग रह गया। बाबू हुआ बाथरूम में, मैंने लोग इसको संभाले हैं, कोई लेडीज कोई काम का नहीं है। लेडीज लोग भी आया था तो लोग देख के भाग गया, मैं हिजड़ो होकर के मैंने संभाल दिए।
को देख लो आप लोग, हम दिल में रहम है, बेचारी डर से मर रही थी, मैंने बच्चा करवाया बाथरूम में, बोल रही हूँ हमारा पटना जन शताब्दी में इधर से मर रही थी, कोई देखने वाला नहीं था, मैंने देखे मियाँ बच्चा का फोटो।